सूचना और सावन महीने की जो शिवरात्रि है, कितनी तारीख की है? 15 तारीख की। आज कौन सी तारीख है? 11, 12, 13, 14, 15। 15 तारीख को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। एक लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमल गट्टे 5, क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवदिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत, साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है, 7 ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से भी, गोल सुपारी पूजन की सुपारी 3, क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली कलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध दही घी शहद शक्कर गंगा जल आदि ये भी रख लें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना, रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगा कर रखना जिसमें रोली मौली चंदन अबीर गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगा कर रखना, और बाबा की तैयारी कोई ब्राह्मण देव भूदेव विप्रजन ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाए, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं, हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा कर। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में, मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय
बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में एक बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मिट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ, पूजन के साथ करें। शिव तत्व को जान क्या मिलता है? सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला, आनंद देने वाला। एक पत्र आया है, देखिए।